हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, पिंक लिप्स हमारी पर्सनालिटी में ग्लैमर और चार्म लाते हैं। पिंक लिप्स होना एक अच्छे हेल्थ की निशानी है। पिंक लिप्स हमारे स्माइल को ब्राइटन करते हैं और हमारे स्माइल को एक फ्रेंडली टच भी देते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर किसी की लिप्स पिंक हो। बहुत सारे ऐसे नोन और अननोन रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमारे लिप्स डार्क होने लगते हैं। उसमें से कुछ रीजंस हैं स्मोकिंग, टबैको की वजह से भी लिप्स डार्क होते हैं, सन एक्सपोजर, यूवी रेज की वजह से भी लिप्स डार्क होते हैं, कॉस्मेटिक्स, सस्ते और एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स यूज करने से भी लिप्स डार्क होते हैं, खान पान में न्यूट्रिशन की कमी से भी लिप्स डार्क होते हैं, डिहाइड्रेशन, पानी कम पीने से भी लिप्स डार्क होते हैं, कैफीन, ज़्यादा कैफीन यूज़ करने से भी लिप्स डार्क होते हैं। तो आज मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ ऐसे मेथड्स लेकर आई हूँ जिसको यूज़ करके आपके लिप्स नेचुरली पिंक हो सकते हैं। आज मैं आपको जो प्रोसेस बताने वाली हूँ वो टू स्टेप्स में होंगे। फर्स्ट है स्क्रब और सेकेंड है लिप केयर मास्क। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये प्रोसेस। इस स्क्रब को बनाने के लिए हमें चाहिए 1 टेबल स्पून ब्राउन शुगर, 1 टेबल स्पून हनी, 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल, 1 टेबल स्पून लेमन जूस, 1 टूथब्रश। टूथब्रश के ब्रिसल्स सॉफ्ट होने चाहिए और इसके बैक साइड में टंग क्लीनर भी होना चाहिए। ब्राउन शुगर में ग्लाइकोलिक एसिड पाए जाते हैं जो एक अल्फा हाइड्रोक्सिल एसिड है जो लिप्स को हेल्दी रखते हैं। ये लिप्स को मॉइस्चराइज और नरिश करते हैं। ये स्क्रब का काम करते हैं और लिप्स से डेड सेल्स हटाते हैं। हनी में ब्लीचिंग एजेंट्स पाए जाते हैं जो लिप्स की डार्कनेस दूर करते हैं। ऑलिव ऑयल लिप्स को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करते हैं। लेमन लिप्स की डार्कनेस को दूर करते हैं। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लेंगे और इसे अपने लिप्स पर लगाकर टूथब्रश के ब्रिसल्स से या इसके बैक साइड से स्क्रब करेंगे। 3 से 4 मिनट स्क्रब करने के बाद अपने लिप्स को ठंडे पानी से धो लें। अब स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा प्रोसेस। इस मास्क को बनाने के लिए हमें चाहिए 2 टेबल स्पून क्रश्ड पोमीग्रेनेट सीड्स यानी अनार के दाने, 1 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम और 1 टेबल स्पून हनी। पोमीग्रेनेट्स लिप्स को सन प्रोटेक्शन देते हैं। इसके एंटीऑक्सीडेंट्स लिप्स को नरिश और रिजुविनेट करते हैं। इसमें ओमेगा 5 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो लिप्स को मॉइस्चराइज करते हैं, फ्रेश क्रीम लिप्स को सॉफ्ट बनाते हैं, हनी लिप्स की ड्राइनेस दूर करते हैं। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लेंगे और इसे अपने लिप्स पर लगाएंगे। 5 मिनट तक इसे अपने लिप्स पर रहने दें, फिर 5 मिनट तक मसाज कर इसे ठंडे पानी से धो लें। इफेक्टिव रिजल्ट के लिए इसे वीक में 2 से 3 बार जरूर लगाएं। इस मास्क को बनाने के लिए हमें चाहिए 2 टेबल स्पून मैश्ड बनाना यानी केला, 1 टेबल स्पून हनी और 1 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम। बनाना में विटामिन ए, बी, सी, ई, आयरन, जिंक और पोटेशियम पाए जाते हैं। इसके अमीनो एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स लिप्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, लिप्स को मॉइस्चराइज करते हैं, डेड स्किन सेल्स हटाते हैं और लिप्स की डार्कनेस को दूर भगाते हैं। फ्रेश क्रीम लिप्स को नरिश करते हैं, हनी लिप्स को सॉफ्ट बनाते हैं। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लेंगे और इसे अपने लिप्स पर लगाएंगे। 5 मिनट तक इसे अपने लिप्स पर रहने दें, फिर 5 मिनट तक मसाज कर इसे ठंडे पानी से धो लें। इफेक्टिव रिजल्ट के लिए इसे वीक में 2 से 3 बार जरूर लगाएं। इस मास्क को बनाने के लिए हमें चाहिए 1 टेबल स्पून कोरिएंडर लीव्स पेस्ट यानी धनिया की पत्ती की पेस्ट और 1 टेबल स्पून रोज वाटर यानी गुलाब जल। कोरिएंडर लीव्स में विटामिन सी पाए जाते हैं, ये लिप्स की डार्कनेस को दूर करते हैं। रोज वाटर डार्क लिप्स को नेचुरल पिंक बनाते हैं और लिप्स को सॉफ्ट बनाते हैं। अब हम इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लेंगे, फिर इसे अपने लिप्स पर लगाकर 5 मिनट तक रहने देंगे, फिर 2 से 3 मिनट तक मसाज कर इसे ठंडे पानी से धो लेंगे। इफेक्टिव रिजल्ट के लिए इसे वीक में 2 बार जरूर लगाएं। इस मास्क को बनाने के लिए हमें चाहिए 1 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून मिल्क यानी दूध। टर्मरिक लिप्स को हाइड्रेट करते हैं। इसके एंटीऑक्सीडेंट्स
लिप्स के डैमेज्ड सेल्स को रिपेयर करते हैं। मिल्क में लैक्टिक एसिड पाए जाते हैं, ये लिप्स के पिगमेंटेशन को दूर करते हैं। अब हम इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। फिर इसे अपने लिप्स पर लगाकर 5 मिनट तक रहने देंगे। फिर 2 से 3 मिनट तक मसाज कर इसे ठंडे पानी से धो लेंगे। इफेक्टिव रिजल्ट के लिए इसे वीक में 2 बार जरूर लगाएं। इन सब पैक्स के अलावा आप कुकुम्बर यानी खीरे की स्लाइस से अपने लिप्स की डेली मसाज कर सकते हैं। कुकुम्बर स्लाइस लिप्स के डार्कनेस को दूर करते हैं, लिप्स को सन डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं और मॉइस्चराइज करते हैं। बताए गए मेथड्स के अलावा यहाँ पर मैं आपको लिप केयर की कुछ और भी टिप्स देना चाहती हूँ, जिसको यूज करके आप हेल्दी और नेचुरल पिंक लिप्स पा सकते हैं। फर्स्ट, हाइड्रेटेड रहें, डेली कम से कम 2 से 3 लीटर पानी जरूर पिए। सेकेंड, बिना मेकअप हटाए ना सोएं। थर्ड, अपने लाइफस्टाइल से कैफीन और टबैको को बिग नो बोलें। फोर्थ, अपने लिप्स को बाइट या लिक ना करें, क्योंकि हमारे माउथ का सलाइवा हमारे लिप्स को डिहाइड्रेट करता है। और फिफ्थ, ऐसे फ्रूट्स खाएं जिसमें वाटर हो। इस वीडियो में बताए गए टिप्स को यूज करके आप हेल्दी और नेचुरल पिंक लिप्स पा सकते हैं। आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मुझसे मेरे वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करूँगी रिप्लाई करने की। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।